बिल्कुल। आज जो सीन हुआ लड़ाई का जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये हो रहा है कि आयशा को उसकी जुड़वा बहन शिखा टक्कर देने आ गई है, और वो ये भी जान गई है कि शिखा जो है उसकी जुड़वा बहन आती ही है, पर बाकी घर वाले अभी तक ये नहीं जाने। तो शिखा को बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज़गी है, क्योंकि आयशा ने उसके साथ बहुत कुछ किया है, बहुत गलत चीज़ें की हैं। तो वो बदला लेने के लिए और उसको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए वापस आई है। कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है ये तो आपको देख के ही पता चलेगा, पर देखिए आगे आगे क्या होता है। शिखा वापस आई है, उसको टक्कर देगी, हो सकता है रघु जी को ये पता चल जाएगा कि शिखा ही उनकी आरती है, हो सकता है कि शिखा आयशा को हमेशा के लिए घर से निकाल दे, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। छोटे से छोटे आर्टिस्ट को बड़ा करने के लिए सुभाष भाई ने बहुत सारा मदद किया है जी। तो कल उनका बर्थडे था, तो आपके क्या ओह विशमा, वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। मुझे पता नहीं था, हम यहाँ अपनी शूटिंग में इतना बिजी हो जाते हैं कि पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। बट विशमा वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड उन्होंने हमारे इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उनका। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी वॉचिंग हिज फिल्म्स। ऑडियंस के लिए आपका क्या कहेंगे? प्लीज़ ड्रीम गर्ल देखते रहिए 9:30 बजे लाइव ओके पर। मैं मेघा गुप्ता हूँ जो शिखा का किरदार निभा रही हूँ। प्लीज़ हमें देखिए, हमें प्यार कीजिए, और हम आपको इसी तरह मनोरंजन देते रहेंगे। जैसे कि देखा जाए आप यहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे, इसके पहले और कभी कहीं एक्टिंग की थी आपने? जी मैंने बहुत सारा काम किया है, मैंने नच बलिए किया है, मैंने मैं तेरी परछाई हूँ किया है, मैंने काफ़ी काम किया है। तो यहाँ पे एक्टिंग करके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नेगेटिव मैंने पहले कभी नहीं किया, हमेशा मेनली पॉजिटिव ही किया है। तो यहाँ पर उसको फेंकना और उसको धमकियाँ देना, तो ये थोड़ा एक्साइटिंग है, थोड़ा नया है, जिसकी मुझे आदत नहीं है, तो मुझे भी काम में मज़ा आ रहा है। आई होप ऑडियंस भी इतना एंजॉय कर रही है जितना मैं एंजॉय कर रही हूँ। तो ऑडियंस एक नया मांगती है, तो आप नया क्या देने वाले ऑडियंस को? यही नया, आप एक शो में देख रहे हैं कि दो लड़कियाँ हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, जो एक दूसरे पर इतना नाराज़ हैं, इतना गुस्सा है, तो ये नया है ऑडियंस के लिए। थैंक यू।